हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ चीज़ बॉल, जो बहुत ही चीज़ी है और ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी है, जो बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी बहुत अच्छा लगता है। तो आइए ऐसी टेस्टी चीज़ बॉल के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है देखते हैं। इसके लिए मैंने लिया है उबले हुए 3 आलू, धनिया पत्ती, कुछ ब्रेड क्रम्स है तेल डीप फ्राई के लिए, उसके बाद चीज़ क्यूब्स है, कूटी काली मिर्च है, चिली फ्लेक्स है, और यह है अदरक और लहसुन को मैंने दरदरा किया, नमक, कॉर्नफ्लोर, मैदा और यह है ऑरेगानो, ये ऑप्शनल है, हर्ब्स है वो। सबसे पहले आलूओं को खींच लूँगी और एक चीज़ क्यूब को भी खींच लूँगी। मैंने आलूओं को खींचना स्टार्ट कर दिया है। आलूओं को आप चाहो तो मैश भी कर सकते हो, बट खींचने से वो बाइंडिंग बहुत अच्छे से होता है। आलूओं को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। आलूओं को खींच के मैंने उसमें डाला है बारीक कटा धनिया पत्ती और एक चीज़ क्यूब को मैंने खींच के डाला है। अब कूटी काली मिर्च हाफ स्पून, चिली फ्लेक्स हाफ स्पून, आप देखना क्योंकि दोनों भी तीखे रहते हैं, अदरक और लहसुन को दरदरा किया हाफ स्पून और हाफ स्पून ऑरेगानो, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। अब नमक हाफ स्पून, नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। उसके बाद 1.5 स्पून मैं डाल रही हूँ मैदा और 1 स्पून मैं डालूँगी कॉर्नफ्लोर और इसको मैं पेस्ट बना के रख लूँगी। अब सारी चीज़ों को मैं हाथ से एकदम अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, जैसे हम लोग रोटी के लिए आटा बनाते उस तरीके से हमें बनाना है। अभी मैं एक कटोरी में 1 स्पून कॉर्नफ्लोर ली हूँ और उसमें अराउंड 3 स्पून पानी डाल के उसको घोल ले रही हूँ, उसका मतलब पेस्ट बना ले रही हूँ ताकि बॉल्स को हम उसमें डिप कर सके। और ये वाले चीज़ क्यूब को मैं पीस में कट करके रख लूँगी। यहाँ चीज़ क्यूब आपको जैसा चाहिए, मतलब जिस शेप का चाहिए उस शेप में आप कट करके रख लेना, चाहो तो छोटा चाहो तो बड़ा, जैसा शेप आपको चाहिए आप उस शेप का कर लेना। मैंने सारे चीज़ क्यूब कट कर लिए। अब प्लेट में मैं ले रही हूँ ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स मैंने ब्रेड को ग्राइंड करके कर लिया, आप मार्केट का भी यूज़ कर सकते हो। अभी मैं बना रही हूँ चीज़ बॉल्स। सबसे पहले हमने जो आलू का आटा बना के रखा था उसका मैंने एक गोला बना लिया और उसमें मैंने रखा है एक चीज़ क्यूब। चीज़ क्यूब रख के उसको मैं अच्छे से गोल शेप दे रही हूँ, फिर उसके बाद मैं उसे कॉर्नफ्लोर के बैटर में डीप करके अब मैं उसको ब्रेड क्रम्स में कोट कर रही हूँ। ऐसे करने से बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनता है। मैं एक और बना रही हूँ। मैंने लिया है आटा, मतलब आलू का बैटर, उसमें रखा है एक चीज़ क्यूब, फिर से मैं इसको कॉर्नफ्लोर में डीप कर रही हूँ, डीप करके उसे ब्रेड क्रम्स में कोट कर रही हूँ। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप पोहे को मिक्सी के ग्राइंडर में ग्राइंड करके उसमें भी कोट कर सकते हैं, वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। अभी मैंने तेल गर्म होने रख दिया। तेल जैसे गर्म हो गया उसमें मैं डाल रही हूँ चीज़ बॉल्स, चीज़ और आलू के बॉल्स। मैं इसमें एकदम ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, मैंने सिर्फ 4 डाला है। 4 डाल के मीडियम हाई फ्लेम पे मैं इसको पलटते हुए अच्छे से डीप फ्राई करूँगी, तब तक जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। हमें गैस का फ्लेम हाई नहीं रखना है, अदरवाइज़ ये ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। ऊपर नीचे पलटते हुए हमें इनको एकदम अच्छे से फ्राई करना है। चीज़ बॉल बनाने के लिए आलू को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, अदरवाइज़ उसमें जो कॉर्नफ्लोर और मैदा है बहुत ज़्यादा लगेगा और फिर उसे टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। हमारे चीज़ बॉल बनके रेडी है, मैं इनको निकाल रही हूँ। सेम इसी तरीके से मैं बाकी के सारे चीज़ बॉल भी फ्राई कर लूँगी मीडियम हाई फ्लेम पे। ये चीज़ बॉल बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बच्चों को बहुत ही पसंद है, बड़ों को भी बहुत पसंद है। अगर आपके घर में पार्टी है या बच्चों का बर्थडे पार्टी है या कोई सेलिब्रेशन है, आप पहले से बना के फ्रिज में रख लो और जब ज़रूरत है तब फ्राई कर लो। सारे पूरे आलू चीज़ बॉल बनके रेडी है। इसके साथ किसी भी डीप की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे ही सर्व कर सकते हो, बहुत टेस्टी लगते हैं। पर मैंने यहाँ सर्व किया है टमाटो केचप के साथ। हमारे पूरे चीज़ बॉल बन गए। मैं आपको एक तोड़ के दिखा रही हूँ। ये थोड़ा गर्म है इसलिए मैं इसको तोड़ नहीं पा रही हूँ, बट आप देख सकते हैं ये कितने चीज़ी और कितने टेस्टी लग रहे हैं। आप भी ये यम्मी टेस्टी चीज़ बॉल बनाइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।